दोस्तों, अगर आप बाबर आजम को एक अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2019 में शुरुआती मैचों के खराब खेल के कारण सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई थी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज से करारी हार झेलने के बाद नेट रन रेट में बेहद ही पीछे रह गया, जिसके बाद पाकिस्तान को टीम इंडिया ने करारी शिकस्त दी। फिर इसके बाद में पाकिस्तान टीम ने जरूर वापसी की, लेकिन इस दो मैचों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और इस हार के बाद जैसे पाकिस्तान में भूचाल ही आ गया और कप्तान सरफराज अहमद को कप्तानी पर से हटाए जाने की मांगें तेज होने लगी। आपको बता दें, जिस तरह से सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप में खराब खेल दिखाया, उससे हर कोई पाकिस्तानी इस समय सरफराज को कप्तानी से हटाने की बात कह रहा है। यहाँ तक कि शुएब अख्तर ने तो हाल ही में सरफराज को ब्रेनलेस कप्तान करार दे दिया था। अगर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाता है तो पाकिस्तान की ये चार खिलाड़ी कप्तानी के प्रबल दावेदार होंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बाबर आजम का। आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान टीम में सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रतिभाशाली कोई खिलाड़ी है तो वो है बाबर आजम, जिन्होंने वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि अपने पूरे करियर में शानदार बल्लेबाजी की है। बाबर ने जिस तरह से खेल दिखाया है, उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कप्तानी के प्रबल दावेदार है। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के बाद बाबर आजम कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर नाम आता है पाकिस्तान के युवा और सलामी बल्लेबाज इमामुल हक का। इस युवा बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। इमाम ने पिछले एक साल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी जगह टीम में पूरी तरह से सुरक्षित कर ली है, जिस कारण इमाम को पाकिस्तान टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वही नंबर तीन पर नाम आता है इमाद वसीम का, जो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक परफेक्ट खिलाड़ी नजर आता है, जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी और फील्डिंग में भी चुस्त है। इमाद वसीम सरफराज अहमद की गैर मौजूदगी में पीछे भी कप्तानी कर चुके हैं। ऐसे में इमाद वसीम के पास कप्तानी की पूरी काबिलियत है, जिस कारण सरफराज की जगह इमाद वसीम को कप्तानी दी जा सकती है। इसके अलावा नंबर चार पर नाम आता है पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान का, जो पिछले दो साल से लगातार पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इस अनुभव के कारण फखर जमान को पाकिस्तान की कमान सौंपी जा सकती है। आप भी कमेंट करके बताएं सरफराज की जगह कप्तान कौन होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।